तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सांपों के मेन मेन पॉइंट है, जैसे कि सांप कितना जी सकता है और सांप की उम्र लगभग कितनी होती है और सांप को दिखाई देता है या नहीं, या दिखाई देता है तो कौन सा कलर में सांप को दिखाई देता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने भाई का भी नाम जान लो। मैं हूं सनिक लवर वीके और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि सांपों की उम्र लगभग कितनी होती है, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि सांपों की उम्र 50 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल तक होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी सांप 1000 साल, 500 साल या 50 साल तक जिंदा रह सकता है। तो सांपों की उम्र 15 से 16 साल के बीच में होती है, उससे ज़्यादा सांप जिंदा नहीं रह सकता है। अगर जिंदा भी रहे तो अच्छा खाना पीना या रहन सहन उसे मिले, या कोई रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत ना हो या हमारे द्वारा उसे मारा ना दिया जाए, तो 15-16 साल तक सांप जिंदा रह सकते वरना नहीं रह सकते। तो दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं कि सांपों को दिखाई देता है या नहीं। तो सांपों को दिखाई देता है, सांप अंदर नहीं होता है लेकिन सांप के कान नहीं होते। ये बहुत ही लोगों को मालूम होगा और कई लोगों को मालूम नहीं होगा। तो सांपों को दिखाई तो देता है लेकिन कौन से कलर में सांपों को दिखाई देता है। तो जो दिन में सांप देखता है वो ब्लैक और वाइट कलर में सांप को दिखाई देता है। और सांप को कितना दिखाई देता है, मतलब 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट या कितने रेंज में सांप को दिखाई देता है। तो लगभग सांप को उसकी रेंज में देखा जाए तो 5 से 6 फुट तक सांप को दिखाई देता है। उससे ज़्यादा सांप आगे हम जाए तो सांप हमको धुंधले कलर में देख पाता है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो सांपों के वेनम के बारे में, जो कि सांप का वेनम इतना खतरनाक होता है कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और फायदेमंद भी है, क्योंकि सांप जैसे कई बीमारियों की दवा बनाई जाती है, जैसे हार्ट का कोई रोग हो, जैसे कैंसर की बीमारी हो, वैसे सांप की जैसे दवाई बनती है। और सांप का वेनम यानी जहर कितने प्रकार का होता है, तो सांप का जहर लगभग 4 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा होता है हीमोटॉक्सिन, तीसरा होता है साइटोटॉक्सिन और चौथा होता है कार्डियोटॉक्सिन। तो चौथा पॉइंट की हम बात करें कि सांप कितने महीने से एक बार केसुरी उतारता है, तो सांप 3 महीने से 4 महीनों के बीच अपनी केसुरी उतारता है। तो लगभग 12 महीने का गिन ले तो लगभग 3 से 4 बार सांप महीने में या साल में केसुरी बदलता है। अगले नंबर पर हम बात करते हैं कि सांपों के दांत कितने दिन में वापस आते हैं, जैसे कि कोई सपेरा या किसी रोड एक्सीडेंट में उसके दांत टूट जाए तो कितने दिन में दांत वापस आ सकते हैं। तो सांप के दांत लगभग 4 से 5 दिन के बाद टूट देने के बाद वापस आने लगते हैं। 15 से 16 दिनों में दांत सांप के वापस आ जाते हैं और लगभग 3 हफ्तों में उसके एकदम नए जैसे दांत आते हैं और उन दांतों में उसका जहर भी पाया जाता है, जो कि हम वेनम बोलते हैं, और उस नए दांत से सांप जहर भी छोड़ सकता है। तो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि सांप एक बार में कितना जहर छोड़ सकता है हमारे शरीर के अंदर। तो लगभग सांप एक बार में 11 से 12 मिलीग्राम जहर छोड़ सकता है। और बहुत ही गुस्सा अगर सांप है, बहुत ही हमने उससे छेड़छाड़ी की है, तो सांप एक बार में 26 मिलीग्राम से 27 मिलीग्राम तक जहर हमारे शरीर के अंदर छोड़ सकता है। और 26 से 27 मिलीग्राम हमें जहर अगर हमारे शरीर में छोड़ दे सांप, तो लगभग हमारे 15 से 20 मिनट के अंदर हम मर सकते हैं। अगले पॉइंट के हम बात करते हैं कि सांप कहाँ कहाँ और किस किस देश में सांप पाए जाते हैं। तो विश्व के 4 देशों में सांप पाए जाते हैं। तो पहला है मेक्सिको, दूसरा है ब्राजील और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है इंडोनेशिया, जो कि यहाँ पर बहुत ही भरपूर मात्रा में सांप पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर नए नए कॉन्टेंट लेके आते और हमें आपको जानकारी देना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।